हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज का ब्लॉग अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के 1 बजे, और हम लोग रेडी हो गए, जा रहे हैं मार्केट। और आज हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, क्योंकि लाइट सुबह से ही कल रात से ही कटी हुई है, और कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो तार में शायद कुछ प्रॉब्लम है, तो मिस्त्री वगैरह आया था लोग, लेकिन बन भी नहीं पाया है। तो लाइट नहीं है, सुबह से ही लाइट नहीं है, कल रात से ही लाइट नहीं है। मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है, मैं दूसरे के घर दी हूँ चार्ज करने के लिए। और तो हम लोग डिसाइड किए कि चलो चलते हैं मार्केट, कुछ शॉपिंग करके आते हैं। आज मम्मी पापा का मैरिज एनिवर्सरी भी है, बहुत सारे चीज़ सोच कर रखी थी, लेकिन कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लाइट ही नहीं है, कपड़ा भी नया पहनने का मन नहीं कर रहा है, इतनी गर्मी है ना, बाप रे। तो अभी मैं और मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो गाइज, अभी मैं आ गई हूँ मार्केट में, और सबसे पहले हम लोग आए हैं सोनार के दुकान पे, क्योंकि आज मुझे ना सोनार के ही दुकान पे आना था, मतलब गोल्ड का ही कुछ चीज़ लेना था। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे आई हूँ, इधर उधर कहीं नहीं गई हूँ। और आज इतनी तेज़ धूप निकली है ना बाहर की, मैं क्या ही बताऊँ। इस धूप में आई हूँ मैं यहाँ पे, हालत तो ख़राब है, लेकिन एक होता है कि चलो हाँ आज कुछ ख़रीदना है, गोल्ड की शॉपिंग करनी है, तो इसलिए अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे शॉपिंग करने। तो गाइज़, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इस टाइप का मतलब चैन में लॉकेट साथ हो, इस टाइप का लेने के लिए बहुत टाइम से सोच रही थी। एक दो बार मैं जाके देख के भी आई थी, तो मुझे पसंद आ गया था, तो मैं उसको रखवा दी थी कि मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो लूंगी। तो इस बार अभी मैं आज गई लेने के लिए, जो कि मुझे ये ना बहुत अच्छा लगता है इस टाइप का चैन। मुझे वैसे तो चैन, मंगलसूत्र, बहुत सारी चीज़ें हैं ही मेरे पास, लेकिन इस टाइप का मुझे पहनने का बहुत शौक था। तो मैं हस्बैंड से बोली, तो बोले कि ठीक है जाओ देख लो तुम अपना, क्योंकि वो बहुत कम इंटरेस्टेड रहते हैं मैं गोल्ड जब बनवाने जाऊँ तो। और मुझे लगता है कि सारे घरों में लगभग ऐसी ही हालत है, जब गोल्ड की कोई भी चीज़ बनवानी हो तो आपको पता है इतनी महंगाई हो गई है ना कि मतलब किसी को भी लगेगा कि एक ही बार इतना ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है। सोना का भाव हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, एंड इतना इतना पैसा सब जाएगा सोनार के पास। तो मैं सही में आज लाखों की शॉपिंग हो गई है। तो यहाँ पर मैं कैश ही इनको दे रही हूँ, क्योंकि इन्होंने बोला कैश, मतलब मैं सोची चलो कैसे ही दे देती हूँ। तो अभी मैं फ़ाइनल करूँगी ये वाला जो आपको मैं दिखाई, चैन विथ लॉकेट, वो मुझे डेली वियर के लिए चाहिए था। तो मैं इसे थोड़ा सा हैवी और देखी थी, वो थोड़ा कॉस्टली था और, लेकिन वो मुझे डेली वियर के लिए उतना सही नहीं लगा, क्योंकि ज़्यादा हैवी भी फिर डेली अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं छोटा सा देखी, एंड डेली पहनने के लिए मैं ये चीज़ें ली, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वैसे तो बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन है, और ये मैं हमेशा यहीं से शॉपिंग करती हूँ गोल्ड का, ऑलमोस्ट ज़्यादा झुन बाबू के यहाँ से ही। वैसे हमारे शहर में तो अभी तनिष्क, कल्याण ज्वेलर्स ये सब भी ओपन हो गया है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुमको तनिष्क में या कल्याण में जाना चाहिए था, लेकिन मैं इस बार तो नहीं गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर मैं जाऊँगी। अभी तक मैं गई भी नहीं हूँ सब शोरूम में, मतलब बक्सर के शोरूम में नहीं गई हूँ जो भी न्यू ओपन हुआ है। तो यहाँ पर मैं इनको पैसा दूंगी, फिर अपना सामान लूँगी, और शिवानी के लिए भी एक मम्मी बनवाएगी इयर रिंग छोटा छोटा डेली पहनने के लिए, तो वो भी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। तो पहले मैं अपना फ़ाइनल कर लेती हूँ, अपना ज्वेलरी ले लेती हूँ, उसके बाद हम लोग शिवानी के लिए भी लेंगे। तो ये मेरा गोल्ड चैन रेडी हो गया है, और मैं इसको आपको दिखाती हूँ ओपन करके कैसा लग रहा है। इसका डिज़ाइन आप लोग कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, बहुत ही प्यारा सा है ना, इसलिए मैं इसको डेली पहनने के लिए ली थी। अब हम लोग देखेंगे शिवानी के लिए छोटा छोटा इयर रिंग डेली पहनने के लिए। उसको मतलब था कि हाँ चलो ठीक है, मम्मी को लग रहा था ना कि डेली वियर के लिए इसके लिए भी कान का छोटा छोटा ले ले, तो उस टाइप का हम लोग देखेंगे, आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो उस टाइप का भी हम यहाँ पर लिए।
गाइज हमारे यहाँ पे जितना भी शॉपिंग करना था सब कुछ हो गया है, फिर मैं यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर रही हूँ और यहाँ से फिर मैं एक और भी चीज़ लेके जाऊँगी घर, घर जाके आपको दिखाऊँगी अच्छे से मैं। और शाम के बज गए थे 4, मतलब 1 बजे करीब में मैं निकली थी लेकिन शाम के 4 साढ़े 4 हो गए थे। अथर भी नहीं था, आज गया था वो अपनी दादी के यहाँ, तो फिर मेरा भी चला था कि चलो ठीक है बाबू का छुट्टी है तो आराम से चलते हैं। तो गाइज अभी हम लोग मार्केट से आ गए हैं और सही बताऊं तो आज हम लोग मार्केट गए थे, सिर्फ गोल्ड लेना था और सोनार के दुकान पे ही जाना था, इसीलिए मार्केट गई थी मैं आज, कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं कर रही थी। लेकिन आपको पता है ना, पूरे मार्केट घूम लो और सोनार के दुकान पे एक दो सामान ही लेना हो तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है, क्योंकि जल्दी पसंद नहीं आता है, फिर उसका पैसे तो बिलिंग कराओ तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आज मैं, मम्मी और मेरी सिस्टर हम लोग गए थे, आज मेरी मम्मी का मैरिज एनिवर्सरी है तो हम लोग सोचे रात में कुछ मतलब थोड़ा बहुत घर पे ही सेलिब्रेशन करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हर टाइम हर साल बाहर ही जाते हैं, एक ही जगह पे बोर हो गए हैं जा जाके, और फिर अपने रेस्टोरेंट में भी नहीं जाएंगे हम लोग, घर पे ही थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन करेंगे और खाना पीना बनेगा घर पे जो बनाना होगा। बाकी गोल्ड में हम लोग लिए हैं मार्केट से, वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, वैसे मैं दिखा ही देती हूँ, रुको। पता है मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं कुछ लूँ, मैं फ़ोन रख दूँ पहले एक जगह पर। चैन विथ लॉकेट ये मैं ली आज परचेज की, और ये बहुत ही टाइम से मैं सोच रही थी इसको लेने के लिए, मेरा मन था लेकिन हाँ थोड़ा काफ़ी कॉस्टली पड़ा, महंगा पड़ा, क्योंकि आजकल गोल्ड का भाव काफ़ी महंगा हो गया है, बढ़ गया है, लेकिन आज मैं इसको ले ही ली। और ये जो इयररिंग है वो है शिवानी का, मतलब मेरी सिस्टर का है ये इयररिंग, ये मेरा नहीं है, क्योंकि इसी में का सेम इयररिंग मैं यहाँ पे पहनी हूँ, आप देख सकते हो सेम है, मेरा गोल में है, इसका भी शेप में है, तो ये इसको पसंद आया तो आज मम्मी इसके लिए बनवाई और मैं अपने लिए चैन ली। तो कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मम्मी अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि मैं मुझे बहुत तेज भूख लगी है, बहुत टाइम लग गया आज मार्केट में। मैं आ गई हूँ छत पे थोड़ा सा टहलने के लिए और मेरे पीछे देख सकते हो साड़ी वेयर करके वीडियो शूट कर रही है और मुझे ज़बरदस्ती बुला के लाई है, चलो मेरा फोटो वीडियो बना दो, मतलब मेरे तो चलता ही रहता है, इसका भी चलता रहता है, मेरी तो मजबूरी। मैं गला में कुछ नहीं पहनी हूँ खूब सी। अभी मैं चेक की ना अपना वो, तो मैं खोल कर रख दी, अभी मैं जा रही हूँ पहनने, यार सुना गला नहीं रह जाता, मैं तो भूल ही गई। ये लड़की पागल कर देगी, ले ली।